हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अखबार की वोकैबलरी के बारे में। तो हम इसमें उसके एडिटोरियल का डिस्कशन करते हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट, हम एडिटोरियल डिस्कस करें उसके पहले हम कुछ वोकैबलरी देख लेते हैं जो कि आज उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उसको पढ़ने से पहले हम उसकी वोकैबलरी को एक बारी देख लेते हैं। तो पहला जो शब्द हमें मिलेगा वो है आपका बिगाइल। बिगाइल का मतलब होता है कुछ ऐसा जो बहुत अच्छा हो एंड जो आपको आकर्षित करे, जो आपको अट्रैक्ट करे, उसे कहते हैं बिगाइल। ठीक है, तो बिगाइल का मतलब हो गया कुछ ऐसा जो आपको आकर्षित करे एक तरीके से। ठीक है, तो मोहनी वाला काम करना, चार्म और इंचैंट समवन इन एन ऑफन ऑफन इन अ डिसेप्टिव वे। यानी कि वो आपको वो राज फिल्म का वो डायलॉग सुना है ना कि मेरे इतने करीब मत आओ मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तो वो बिगाइल करना है कि किसी को अट्रैक्ट तो कर रहे हो बट इन अ डिसेप्टिव वे, थोड़ा सा गलत उसमें। ठीक है, तो सिनोनिम्स हो जाएंगे चार्मिंग, अट्रैक्टिव, अपीलिंग, प्लीजिंग, प्लीजेंट, लवली, डिलाइटफुल, इंचैंटिंग, एंट्रेसिंग, कैरिस्मेटिक, कैप्टिवेटिंग, बिविचिंग या स्पेल बाइंडिंग, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सारे आवश्यक हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इन्फ्लेशन हम कहते हैं महंगाई को। फॉर्मर मतलब होता है पिछला और लैटर मतलब होता है अगला। इनकी हम बात क्यों कर रहे हैं? देखो, फॉर्मर और लेटर वैसे तो ये ग्रामर से संबंधित है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। मान लीजिए दो घड़ियां खरीदी, मान लीजिए एक ये रिमोट है और एक ये रिमोट है। ठीक है, तो मैंने एक पहले ये रिमोट खरीदा और फिर ये रिमोट खरीदा, तो मैं कहता हूं कि जो मैंने पहले खरीदा वो फॉर्मर हो जाएगा और जो बाद में खरीदा वो लेटर हो जाएगा। जैसे हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कौन है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के हैं आपके प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो वो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो गए। और फॉर्मर का मतलब यह भी होता है कि जैसे दो, अगर ही हैज टू सन्स, फॉर्मर इज एन इंजीनियर, यानी कि पहले वाला इंजीनियर है और द लैटर वन इज डॉक्टर, तो बाद वाला डॉक्टर। तो फॉर्मर और लैटर इस सेंस में भी आता है, अभी हम पैराग्राफ में भी इसको देखेंगे। इसके अलावा हर्टनिंग मतलब होता है खुशी, जो आपको खुशी प्रदान करे, जो आपके खुशी को बढ़ाए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाए। सिनोनिम्स हो जाएंगे चीयर अप करना किसी को, चीयर करना, रेज समवन से स्पिरिट, एनकरेज करना, कंफर्ट करना, रीअश्योर करना, कंसोल करना या बूस्ट करना। प्रेसीडिंग मतलब हो जाता है पिछला, जैसे प्रेसीडिंग मतलब जो पहले था। गैदरिंग मतलब होता है इकट्ठा होना, और असेंबली या किसी भी ओकेजन पे इकट्ठे होने के लिए आता है। सिनोनिम्स असेंबली हो जाएगा, मीटिंग, मीट, कन्वेंशन, रैली, टर्नआउट, कांग्रेस, कॉन्वोकेशन। कॉन्ग्रीगेशन होता है आपका जो धार्मिक कार्य से इकट्ठे हुए, यानी कि मान लीजिए आप धार्मिक पूजा अर्चना करने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं तो उसे हम कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बायड, देखिए बायड क्या होता है, ये वर्ड बना है बायंसी से। बायंसी आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, बायंसी आर्कमिडीज प्रिंसिपल। बायंसी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये इसमें पानी है और इसमें आप कोई चीज डुबोते हैं, तो पानी नीचे से अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है जो चीज उसे फ्लोट करने में मदद कराती है। तो बायड मतलब हो जाता है किसी को नीचे से आप एक तरीके से उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तो मीनिंग हो जाएगा टू कीप समथिंग अफ्लोट और टू रेज द स्पिरिट्स ऑफ, यानी किसी का उत्साहवर्धन करने के सेंस में ये आ जाता है। सब्सटेंशियली मतलब होता है अच्छी खासी मात्रा में, इन अ ग्रेट एक्सटेंट, इन अ ग्रेट डील और इन अ लार्ज एक्सटेंट। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होना, मतलब किसी चीज का सिकुड़ना। और कॉन्ट्रैक्ट अगर आप नाउन के रूप में देखेंगे तो उसका मतलब एक एग्रीमेंट साइन करना भी होता है। ठीक है, इरोड, कोरोड, डिप्लीट मतलब होता है क्षय होना। श्रैंक जो है वो श्रिंक की सेकेंड फॉर्म है, मतलब हो जाता है किसी चीज का सिकुड़ना। डिस्गाइज मतलब क्या हो जाता है, गिव समवन और वनसेल्फ अ डिफरेंट अपीयरेंस इन ऑर्डर टू कंसील वंस आइडेंटिटी, यानी कि भेष बदल कर आना। जैसे रावण डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ बेगर, यानी कि रावण ने अपने आप का भेष बदल लिया और वो भेष बदल के क्या बन गया, बेगर बन गया, भिक्षुक बन गया। तो डिस्गाइज करना मतलब होता है भेष बदलने के सेंस में आता है डिस्गाइज करना। ठीक है, तो डिस्गाइज याद रखेंगे मतलब हो जाता है आपका भेष बदलने के सेंस में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा ईडियम होता है, ये एसएससी में पूछा जा चुका है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब हो जाता है कुछ ऐसा जो आपने सोचा था कि बुरा होगा बट अच्छा हो जाता है, उसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जैसे मान लीजिए, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया है, मान लीजिए कि आपको एक लड़का या एक लड़की प्रपोज करती है बेस्ड ऑन योर जेंडर, और आप उसको ये कह के मना करते हैं कि भैया हम अभी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं इसलिए अभी हम आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, हालांकि आप चाहते हैं।
बट आप क्या पाते हैं कि वो बोलती है कि अरे मैं भी एसएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो ये क्या हुई, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। आपको लगा था वो चीज खराब होगी आपके लिए, बट आप दोनों साथ में तैयारी करने लगे और आपने एग्जाम निकाला, तो इसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज। सिक्वेंशियल मतलब एक सिक्वेंस में, एमिड मतलब होता है के दौरान, एमिड का अर्थ होता है के दौरान, ये सिचुएशन के लिए आता है। देखिए दो वर्ड आपने आपने एमिड और अमंग भी पढ़ा होगा, आपने बिटवीन पढ़ा है, अमंग पढ़ा है और एमिड पढ़ा है। तो देखो बिटवीन आता है दो के लिए, अमंग आता है दो से अधिक के लिए, और एमिड आता है किसी सिचुएशन, किसी परिस्थिति की अगर बात होती है या किसी जगह की बात होती है तो वहां पर एमिड आता है। अखबार में आपको ये वर्ड्स डेली देखने को मिलेंगे। रिबाउंड का मतलब क्या होता है, रिबाउंड मतलब होता है किसी चीज का बाउंस बैक करना, किसी चीज का फिर से बाउंस बैक करना। जैसे मान लीजिए आपने हाथ में बॉल है, आपने उसे ऐसे फेंका तो वो रिबाउंड करती है, वापस से ऊपर आती है, तो उसी को कहते हैं रिबाउंड करना। ठीक है, बाकी रिबाउंड दूसरे सेंस में भी इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए आपका कल को ब्रेकअप होता है, ठीक है, और आज आपका ब्रेकअप हुआ और आज ही आपको दूसरी लड़की का मैसेज भी आ गया, ठीक है, या लड़के का मैसेज भी आ गया और आप उससे बात करने लगे और दूसरे दिन आपको लग रहा है अरे वाह यार मुझे तो फिर से इससे प्यार हो रहा है, तो बेसिकली वो प्यार नहीं हो रहा है, वो आपको रिबाउंड है, वो व्यक्ति आपका रिबाउंड है, ही इज नॉट योर लव। ठीक है, क्योंकि आपका ब्रेकअप हुआ है, आपको कोई चाहिए, तो आप जिस व्यक्ति से संपर्क में आ रहे हैं वो आपका रिबाउंड हुआ। ठीक है, उसे कहते हैं आप वापस से बाउंस बैक करना, उसे कहते हैं रिबाउंड करना, कि मतलब आप वापस से जीवन पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कंस्ट्रेंट मतलब बाधा या फिर रेस्ट्रिक्शंस हो जाता है। पैंडेमिक हम कहते हैं, तीन शब्द हैं, तीनों मिलते जुलते हैं, ये मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया है, इसमें तो नहीं है आपके। पैंडेमिक हम कहते हैं वैश्विक महामारी को, ऐसी बीमारी जो पूरे विश्व में फैली है। एंडेमिक ऐसी बीमारी को कहते हैं जो एक छोटे स्थान पर फैली है, स्थानिक। और एपिडेमिक हम कहते हैं महामारी को जो पूरे देश वगैरह में फैली है। तो जैसे कोरोना वायरस हमारा आपका कोरोना वायरस हमारा पैंडेमिक है, और कई बार अभी अभी न्यूज आ रही थी थोड़े दिन पहले कि कोरोना वायरस जो है देश में अब एंडेमिक बन रहा है। एंडेमिक बन रहा है मतलब कुछ कुछ एरियाज ऐसे बन गए हैं जहां पर कोरोना नहीं जा रहा और वहां पे बार बार लोगों को कोरोना हो रहा है, तो उसे कहते हैं एंडेमिक होना। और एपिडेमिक मतलब हम कहते हैं महामारी को, ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गई है। सस्टेन करना मतलब हम कोशिश कर रहे हैं सस्टेन करने की, जिंदा रहने की, सर्वाइव करने की, उसे कहते हैं सस्टेन करना, मेंटेन करना या बनाए रखना। स्ट्रेंथन और सपोर्ट फिजिकली और मेंटली, कंफर्ट करना, किसी को हेल्प करना, असिस्ट करना, एनकरेज करना, सकर, सोलेस, ब्रदर, ब्रीदर। ठीक है, एलिवेटेड मतलब होता है ऊपर उठाया गया, जैसे एलिवेटेड ट्रैक, एलिवेटेड ट्रैक मतलब जो ट्रैक ऊपर उठा दिया गया है। ठीक है, सब्सिक्वेंटली बाद में। अंडरमाइन करना किसी की वैल्यू को कम करना, किसी चीज को डिमीन करना, किसी की वैल्यू को कम करने के सेंस में आता है। वाइटल हम कहते हैं आवश्यक को, ठीक है, इट इज वेरी वाइटल थिंग, यानी कि बहुत आवश्यक चीज है, बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, पनिशिंग, पनिशिंग मतलब होता है लॉन्ग एंड डिफिकल्ट एंड मेकिंग योर वर्क हार्ड सो यू बिकम वेरी टायर्ड, मतलब बड़ा ही लंबा कार्य जिससे आप कोई ऐसा कार्य जिससे आप बहुत ही लंबा हो और आप बहुत थक जाएं, उसे कहते हैं पनिशिंग। स्टक मतलब हो जाता है कहीं पे फंस जाने के सेंस में आता है कि आप स्टक हैं, आप यहां पे फंस गए हैं। डाइन टू डू समथिंग, डाइन के साथ में प्रीपोजिशन आती है टू, डाइन टू डू समथिंग मतलब हो जाता है आपका टू डू समथिंग दैट वन कंसीडर्स टू बी बीनीथ वंस डिग्निटी, यानी कि कोई ऐसा कार्य करना जो आप अपने आप से कमतर समझते हैं, आप उसे डिग्निटी के खिलाफ समझते हैं, बट आपको मजबूरी वो बस वो कार्य करना पड़ रहा है। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे कंडेसेंड करना या अनुग्रह करना। लेवी हम कहते हैं किसी टैक्स वगैरह को बलपूर्वक लागू करने को लेवी करना कहते हैं। एंट्रीट होता है रिक्वेस्ट करना, बैक करना, इम्प्लोर करना, किसी से विनती करने के सेंस में आता है। ईज करना यानी कि ईज द टेंशन, यानी कि टेंशन को कम करो, एलिविएट, मिटिगेट, दुख परेशानी को कम करना। रॉयल करना मतलब क्या होता है, जैसे कि लिक्विड है उसको उबालो तो आवाज आती है, या किसी चीज का मान लीजिए बहुत कस के हवा चल रही है तो खिड़कियां कड़कड़ कड़कड़ हो रही हैं, तो उसे कहते हैं खड़खड़ा रही हैं, तो उसे कहते हैं रॉयल करना। टू मेक अ लिक्विड टर्बिड और मडी बाय डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, तो मर्की, क्लाउडी, मडी, टर्बिड मतलब बहुत कस के आवाज करने के सेंस में आता है। इंटरवीन करना मतलब होता है मध्यस्थता करना, किसी दो लोगों के बीच में आप मध्यस्थता कर रहे हैं। टेक पार्ट इन समथिंग सो एज टू प्रिवेंट और ऑल्टर अ रिजल्ट ऑफ कोर्स ऑफ इवेंट्स, ठीक है। इंटरसीड, इन्वॉल्व वनसेल्फ, गेट इन्वॉल्व, इंटरपोज वनसेल्फ, इंसिनुएट वनसेल्फ, ये हो जाते हैं। रिपल मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि ये पानी है और इसमें मैं अगर कंकड़ डालूं तो एक वेव्स उत्पन्न होंगी जिन्हें हम रिपल करना कहते हैं। तो रिपल होता है जैसे नदी में आपने कभी कंकड़ फेंका हो तो देखा हो बहुत दूर तक लहरें जाती हैं, तो वो जो है रिपल इफेक्ट कहलाता है, उसी को रिपल करना कहते हैं।
ये जो बहुत ही स्मॉल वेव्स में कोई चीज मूव करती है उसे कहते हैं रिपल। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसको फटाफट। हाँ जी, कह रहा है बिगाइलिंग बेस। अब बिगाइलिंग बेस ऑन फ्यूल प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, तो कह रहा है ये एक अच्छी खबर है। बिगाइलिंग मतलब हमने अभी पढ़ा आकर्षित करने वाली, जो आकर्षित करने वाली है बट एट द सेम टाइम डिसीविंग भी है, इसीलिए इन्होंने ये टाइटल दिया कि बिगाइलिंग बेस ऑन फ्यूल प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो रहा है और फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए इन्होंने लिखा है कि बिगाइलिंग बेस यानी कि आकर्षित करने वाला तो है बट साथ ही साथ थोड़ा सा ये चिंताजनक भी है। कह रहे द लेटेस्ट सेट्स ऑफ डेटा ऑन इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रियल आउटपुट में जो डेटा आया है और रिटेल इन्फ्लेशन पे जो डेटा आया है दैट इज बिगाइलिंगली हार्टनिंग, यानी कि वो आकर्षित करने वाला है, बहुत ही हार्टनिंग है, खुश करने वाला है, हमें उत्साहित करने वाला है। विथ फॉर्मर, फॉर्मर मतलब देखो यहां पे दो चीजों की बात हुई है, इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात हुई है और इन्फ्लेशन की बात हुई है, तो फॉर्मर मतलब पहले वाला, पहले वाला मतलब इंडस्ट्रियल आउटपुट, तो फॉर्मर शोइंग अ डबल डिजिट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यानी कि इंडस्ट्रियल आउटपुट डबल डिजिट हो गया है और अगर हम साल दर साल की बात करें तो बहुत बढ़ा है, अच्छी बात है। लैटर, लैटर मतलब इन्फ्लेशन, पोजिशनिंग होगा यहाँ पे, ये स्पेलिंग गलत है, पोजिशनिंग आ शार्प स्लो डाउन इन द प्राइस गेन्स, क्योंकि हमने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था कि महंगाई अचानक से बहुत कम हुई है, 4.35% आ गई, तो वो कम हुई है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज काफी आकर्षित करने वाली है, काफी खुश करने वाली है। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फिगर्स रिलीज्ड ऑन ट्यूजडे शो इंडस्ट्रियल आउटपुट रोज टू 11.9% इन ऑगस्ट, वाइल इन्फ्लेशन इन सेप्टेंबर स्लोड बाई 95 बेसिस पॉइंट फ्रॉम द प्रेसिडिंग मंथ टू 4.35%, यानी कि इसके पिछले मंथ से 95 बेसिस पॉइंट कम हुई और 4.35% पे हमारा इन्फ्लेशन आ गया और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 11.9% पहुंच गया अगस्त में। सो द नंबर सीम टू इंडिकेट अ गैदरिंग रिकवरी। अब गैदरिंग हमने किस सेंस में पढ़ा था, देखिए ये जो पूरा इसका उद्देश्य है, ये जो एडिटोरियल पढ़ने का उद्देश्य है वो ये है कि आप ये समझ पाइए कि किस शब्द को हम किस सेंस में इस्तेमाल कर लेते हैं, और तभी दिक्कत होती है चाहे हम क्लोज टेस्ट कर रहे हो, चाहे पैरा जंबल कर रहे हो और चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, क्योंकि यार गैदरिंग मतलब तो हमने भीड़ इकट्ठा करना पड़ा था, यहां तो कुछ और ही दे रहा है सर, हमने तो बिगाई मतलब आकर्षित पढ़ा था, यहां तो ये किसी और ही सेंस में लिख रहा है, तो यही होती है, इसी कहते हैं जब जिसकी अंग्रेजी अच्छी होती है वो लिखना पढ़ना बहुत अच्छे से जानता है। तो इसको देखिए, कह रहा था नंबर सीम टू इंडिकेट अ गैदरिंग रिकवरी, गैदरिंग रिकवरी मत गैदर मतलब इकट्ठा होना, तो कह रहा है कि बहुत मतलब अच्छी रिकवरी हो रही है, जो नंबर्स हैं बहुत ही अच्छी रिकवरी को दिखा रहे हैं इन इकोनॉमिक मोमेंटम, अगर हम इकोनॉमिक मोमेंटम की बात करें। इवन एज CPI बेस्ड इन्फ्लेशन इजेस टूवर्ड्स द RBI's मैंडेटेड टारगेट ऑफ 4.4%, तो कह रहे हैं इवन जबकि जो CPI बेस्ड इन्फ्लेशन है वो और कम हुई है, RBI का जो टारगेट है 4% उसकी तरफ मूव कर रही है। द IIP constitutes, IIP जो है वो किस किस की तरफ, उसमें क्या क्या शामिल है, माइनिंग है, constitutes मतलब क्या क्या चीजें शामिल हैं, माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीन एरियाज इसमें शामिल हैं। पोस्टेड appreciable इंप्रूवमेंट, appreciable मतलब तारीफ के काबिल, इन्होंने तीन तारीफ के काबिल इंप्रूवमेंट शो किए हैं, माइनिंग ने 23.6%, मैन्युफैक्चरिंग ने 9.7% और इलेक्ट्रिसिटी ने 16% का राइज देखा है। बट अ क्लोजर लुक शोज द, अब देखो बट अगर लिखेगा तो अब अपनी टोन बदलेगा, बट के पहले जो बात कही जा रही है अगर वो पॉजिटिव है तो बट के बाद वाली बात निगेटिव होगी, यही काम है बट कंजंक्शन का। बट एज अ कंजंक्शन क्या करता है, दो कंट्रास्टिंग चीजों को जोड़ता है, अगर पहले पॉजिटिव है तो बाद में निगेटिव और पहले निगेटिव है तो बाद में पॉजिटिव। सो बट अ क्लोजर लुक शोज द प्रोडक्शन फिगर्स वर बॉयड सब्सटेंशियली बाई कॉन्ट्रैक्शंस दैट अकर्ड लास्ट ईयर व्हेन द इकोनॉमी वॉज स्टिल स्ट्रगलिंग टू रिकवर फ्रॉम द फर्स्ट COVID-19 लॉकडाउन। तो ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, कह रहा है कि बट अगर हम एक क्लोजर लुक देखें, अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से देखें तो हमें ये पता लगता है कि प्रोडक्शन फिगर्स वर बॉयड, यानी कि प्रोडक्शन फिगर्स काफी बढ़े हुए हैं, सब्सटेंशियली मतलब एक अच्छी खासी मात्रा में बढ़े हुए हैं। क्यों बढ़े हुए हैं, बाय द कॉन्ट्रैक्शंस, क्योंकि पिछले साल जब COVID-19 लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से पिछले साल जो सारी इंडस्ट्री थी, सारी चीजें थी वो सिकुड़ गई थी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, मतलब सभी चीजों में कमी आ गई थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब मान लीजिए कि मैं एक टेस्ट लेता हूं आप लोगों का, मान लीजिए मैंने आप लोगों का एक टेस्ट लिया और उस टेस्ट में
आप लोगों ने पहली बार जब नंबर लाए तो आपने 100 में से 10 नंबर लाए, और अगली बार जब आप नंबर लाते हैं तो 100 में से आप 50 नंबर लाते हैं, राइट? तो अब हम क्या कहेंगे कि 40% का ग्रोथ हुआ। 40% का ग्रोथ तो हुआ, बट वो एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि वो बहुत तगड़ा ग्रोथ हो गया है, क्योंकि पहला बहुत खराब था। तो वो यही बता रहा है कि जो फिगर्स हैं वो सब्सटेंशियली बढ़े हुए हैं। क्यों बढ़े हुए हैं? क्योंकि पिछली साल कोरोना लॉकडाउन की वजह से जो चीजें थी वो काफी ज्यादा खराब हो गई थी, काफी सिकुड़ गई थी। अकर्ड लास्ट ईयर व्हेन द इकॉनमी वाज, जब इकॉनमी स्ट्रगल कर रही थी रिकवर करने से फ्रॉम फर्स्ट कोविड 19 लॉकडाउन, पिछले साल जब कोविड 19 लॉकडाउन हुआ तो उसकी वजह से स्ट्रगल कर रही थी इकॉनमी रिकवर करने की, से तो उसके कंपैरिजन में चीजें बेहतर हुई हैं। द इरोडेड बेस, यानी कि इन द केस ऑफ ऑगस्ट 2020 आईआईपी डेटा डिस्गाइजेस द फैक्ट दैट आउटपुट एक्चुअली श्रैंक 0.2% ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस दिस ईयर विद माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग which together account of for 94% of this index posting sequential contraction of 0.8% and 0.5% respectively. तो बड़ी सही बात कह रहा है कि the eroded base, यानी कि जो ये base है basically वो erode हुआ है, उसमें क्षय हुआ है। कैसे? in the case of August 2020, यानी अगस्त 2020 में जो base already erode हो गया था उससे compare कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी कम हो चुका था और उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो वो जो आईआईपी डेटा है वो इस चीज को डिस्गाइज कर रहा है, यानी कि इस बात को एक तरीके से हाइड कर रहा है, इस फैक्ट को कि आउटपुट जो है वो एक्चुअली में कम हुआ है मंथ ऑन मंथ बेसिस में 0.2% से ऑन मंथ ऑन बेसिस दिस ईयर विद माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिस माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में विच टुगेदर ये दोनों मिलकर कितना अकाउंट करते हैं, 94% ऑफ द इंडेक्स बनाते हैं। तो सिक्वेंशियल यानी कि अगर क्रमशः देखें तो 0.8% की कमी हुई है माइनिंग में और 0.5% की कमी हुई है मैन्युफैक्चरिंग में। सो ओनली कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स पोस्टेड इंक्रीज्ड फ्रॉम जुलाई। सिर्फ और सिर्फ नॉन ड्यूरेबल चीजें और कंस्ट्रक्शन के जो सामान है उसमें जुलाई के कंपैरिजन में ग्रोथ है। सो द स्लो डाउन इन द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कैटेगरी रिफ्लेक्ट द लैक ऑफ डिमांड फॉर व्हाइट गुड्स अमिड द पैंडेमिक। तो कह रहा है जो स्लो डाउन हुआ है कंज्यूमर ड्यूरेबल कैटेगरी में, क्योंकि नॉन ड्यूरेबल में ग्रोथ हुई है, तो ड्यूरेबल में जो कमी हो रही है वो ये दिखाती है कि पैंडेमिक की वजह से के बीच में जो डिमांड है वो काफी ज्यादा कम हुई है। एमिड मतलब के दौरान, पैंडेमिक मतलब महामारी। विद लास्ट फिस्कल्स आईआईपी नंबर शोइंग आउटपुट रिबाउंडिंग इन सेप्टेंबर अक्टूबर 2020 एंड सम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग हिट दिस ईयर बाई रॉ मटीरियल शॉर्टेजेस एंड लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट्स, इट इज हार्ड टू सी प्रोडक्शन सस्टेनिंग द पेस ऑफ ग्रोथ। कह रहा अगर हम लास्ट ईयर के फिस्कल आईआईपी नंबर से जो दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि आउटपुट जो है वो रिबाउंड कर रहा है, यानी कि वापस से अपने ट्रैक पर आ रहा है इन सेप्टेंबर अक्टूबर 2020 एंड सम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, साथ ही साथ इन जिसमें कि ऑटोमोबाइल शामिल है, मैन्युफैक्चरिंग शामिल है, हिट दिस ईयर बाय रॉ मटेरियल, जिनमें रॉ मटेरियल की कमी की वजह से काफी ज्यादा इन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा है, और लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट यानी कि उन्हें लॉजिस्टिक्स नहीं मिल पा रहे हैं, जो आवश्यक सामान है वो नहीं मिल पा रहा है, उसमें सीमित हो रखा है, कंस्ट्रेंट मतलब बाधा एक तरीके से हो रखी है। इट इज हार्ड टू सी प्रोडक्शन सस्टेनिंग द प्रेस ऑफ ग्रोथ, यानी कि और चूंकि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं इसलिए बड़ा मुश्किल है कि हम इस पेस ऑफ ग्रोथ को सस्टेन कर पाएं, कंटिन्यू कर पाएं। इन्फ्लेशन टू हैज बेनिफिटेड फ्रॉम द एलिवेटेड लेवल्स इन द ईयर अर्लियर पीरियड व्हेन द हेडलाइन रीडिंग द हैड एक्सेलरेटेड टू 7.3% इन सेप्टेंबर 2020। तो ये बड़ी सही चीज है, मतलब इसीलिए कहता हूँ कि एडिटोरियल पढ़ने से हमें क्या फायदा होता है। इसमें देखो क्या बोला है, अब मैं जब से मुझे ये आंकड़े दिखे हैं कि हमारा इन्फ्लेशन कम हो गया है, 4.3% हो गया, तो मैं तब से सोच रहा हूँ कि ये 4.3% कम हुआ कैसे, क्योंकि चीज़ें तो हमारी ऑलरेडी सारी की सारी जो है महंगी ही हैं ज़्यादातर, और पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस तो बढ़ ही रहे हैं। तो इसमें इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि इन्फ्लेशन जो है वो भी बेनिफिट हुआ है, उसे भी कैसे कैसे हुआ है, एलिवेटेड मतलब जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ था ईयर अर्लियर, यानी कि अगर हम पिछले साल के ईयर अर्लियर की बेसिस की बात करें तो उस समय ऑलरेडी जो है इन्फ्लेशन जो है 7.3% था सितंबर 2020 में, और अगर हम उससे कंपेयर करेंगे तो एंड सब्सिक्वेंटली टच्ड 7.6% इन लास्ट अक्टूबर, तो पिछले साल वो 7.6% तक हो गया था, और अगर हम उससे कंपेयर करेंगे तो 4.3% है, तो वो तो काफी ज्यादा हो गया। द सीपीआई डेटा मास्क द रियल, यानी कि सीपीआई डेटा जो है मास्क कर रहा है, यानी हाइड कर रहा है रियल एक्सटेंट ऑफ प्राइस प्रेशर्स अक्रॉस द मेजर प्रोडक्ट कैटेगरीज, और सीपीआई का जो डेटा है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है वो एक्चुअल जो कैटेगरीज में प्राइस प्रेशर, मेजर कैटेगरीज में जो प्राइस है उसको छुपा रहा है।
अंडरमाइनिंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, यानी कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी कम कर रहा है, स्पेशली अमंग द सीजेबल नंबर, और काफी मतलब सीजेबल नंबर हु हैव सफर्ड जॉब और इनकम कट्स, यानी कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी कम कर रहा है, जिसमें काफी ज्यादा कमी आई है जिन्होंने सफर किया है जॉब से या इनकम कट हुई है जिनकी उस वजह से. की प्रोटीन सोर्सेज इंक्लूडिंग मीट एंड फिश एंड पल्सेज एंड प्रोडक्ट्स रिकॉर्डेड प्रोविजनल इन्फ्लेशन ऑफ 7.99%. तो वो यहाँ पे यही कह रहा था कि मेजर प्रोडक्ट कैटेगरीज तो उसमें शामिल ही नहीं है. तो कह रहा है कि जो हमारे प्रोटीन के जो मेजर सोर्स है, जैसे कि फिश हुआ या पल्स हुआ, एंड प्रोडक्ट्स रिकॉर्डेड प्रोविजनल इन्फ्लेशन ऑफ 7.99% का उसमें हुआ है, और बाकी के जो प्रोडक्ट्स में 8.75% तक का ग्रोथ हुआ है. वाइल द वाइटल कुकिंग, वाइटल मतलब आवश्यक, कुकिंग मीडियम ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स सॉ प्राइस गेन्स एक्सेलरेटेड टू अ पनिशिंग 34.2%. ये देखो, अब कह रहा है कि वाइल जो सबसे आवश्यक कुकिंग मीडियम है, हमारा खाना पकाने का जरिया है ऑयल या फिर जो फैट है, उसका जो प्राइस गेन है वो बढ़ के 34.2% हो गया है. पनिशिंग मतलब बहुत ही कठिन, बहुत ही पनिशिंग, एक तरीके से पनिश करने जैसा हो गया हमारा, ठीक है, 34.2% पे आ गया है. तो ये और खराब चीज है. The transport and communication which captures pump prices of petrol and diesel also stayed stuck close to double digits of at 9.5%. अब transport and communication वाले area की बात करें तो जिसमें हमारे pump के petrol और diesel के prices आते हैं, वो भी लगभग 9.5 double digit पे है, 9.5% पे है. With global crude oil ruling near 3-year highs, यानी 3 साल के सबसे high पे है. Unless the central and state governments deign to respond, deign मतलब, अब यहां पर उसने देखो क्या क्या बढ़िया वोकैबुलरी इस्तेमाल करी ऑथर ने, उसने लिखा है कि अनलेस द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स डाइन टू रिस्पॉन्ड. डाइन टू रिस्पॉन्ड मतलब हो जाता है कि डाइन मतलब मैंने आपको बताया, डाइन मतलब कि आप किसी ऐसा काम करना जो आप नहीं करना चाहते हो. तो कह रहा है कि जब तक कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं झुकती हैं इस चीज पे आके कि भाई उनको वो नहीं चाहते हैं कि प्राइसेस कम करें, जब तक वो इस चीज पर डाइन टू नहीं होते, जब तक वो इस चीज पर नहीं उस काम को करने के लिए झुकते हैं, ये ध्यान रखिएगा डाइन के साथ में प्रीपोजिशन टू आती है, टू द आरबीआईज एंट्रिटीज एंड कट फ्यूल लेवीज, यानी कि जब तक आरबीआई की रिक्वेस्ट, एंट्रिटीज मतलब रिक्वेस्ट, और फ्यूल लेवीज यानी कि फ्यूल के टैक्स को कम नहीं करते हैं, देयर इज लिटिल, तब तक लिटिल मतलब लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, तीन शब्द होते हैं. लिटिल मतलब हो जाता है आपका बिल्कुल भी नहीं, और अ लिटिल मतलब हो जाता है, लिटिल मतलब हो जाता है बिल्कुल भी नहीं, अ लिटिल मतलब हो जाता है थोड़ा बहुत, और द लिटिल मतलब हो जाता है थोड़ा बहुत स्पेसिफिक. तो यहां पे कह रहा है कि जब तक कि ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी होप नहीं है कि इन्फ्लेशन जो है इस कैटेगरी में काफी कम हो, बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं है. द कोल क्राइसिस दैट इज रॉयलिंग पावर आउटपुट, रॉयल मतलब मैंने आपको बताया जैसे पानी को उबालते हो तो जो आवाज आ रही है वो रॉयल करना है, या बहुत कस की हवा चल रही है तो जब खिड़कियां खड़खड़ाती हैं तो उसे कहते हैं रॉयल करना. तो जो कोल की क्राइसिस चल रही है उससे पावर आउटपुट सेक्टर भी प्रभावित हो रहा है, और इट इज ऑल्सो श्योर टू ऑल्सो रिपल अक्रॉस सेक्टर्स. अब ये रिपल मतलब वेव्स क्रिएट करना और उसका इफेक्ट बाकी जगह पे पड़ना. भाई जैसे मान लो ये नदी है और इस नदी में आपने यहां पे पत्थर फेंका, तो इससे बार बार वेव्स उत्पन्न होंगी और यहां पर जो चीज रखी है वो भी मूव होगी. तो वही कह रहा है कि कोल क्राइसिस हो रही है और इस कोल क्राइसिस से पावर सेक्टर प्रभावित होगा, और पावर सेक्टर पे अगर प्रभाव पड़ेगा तो वो रिपल करेगा, बाकी जगह पे भी इफेक्ट डालेगा और प्राइस स्टेबिलिटी को अंडरमाइन करेगा. अनलेस पॉलिसी मेकर्स इंटरवीन, जब तक कि पॉलिसी मेकर्स जो है वो इंटरवीन नहीं करते हैं, पोस्टेड जब तक कि देर ना हो जाए उससे पहले, अगर वो इंटरवीन नहीं करते हैं, मध्यस्थता नहीं करते हैं, तो ये चीजें होंगी, यानी कि इन्फ्लेशन इन कैटेगरीज में और बढ़ जाएगा. राइट, सो बेसिकली अब मतलब आप इस चीज को पढ़ोगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि हमें जो डेटा मिल रहा है वो कितना झूठा है एक तरीके से. ठीक है, तो खैर आज के इस वीडियो के लिए इतना ही. इसमें आज हम सिर्फ द हिंदू का ही एडिटोरियल देखेंगे, और आज से आपकी क्लासें रेगुलर हो जाएगी. अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ वेरी ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय.